सभी लोगों की अपने अपनी एक अलग प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बाहर जाकर खा नहीं रहे हो, आप चिकन चाट समथिंग ये सब खा नहीं पा रहे हो, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है। आपकी आप गर्लफ्रेंड आपसे बात नहीं कर रही है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है। आप किसी पर लाइन मार रहे हो वो भाव नहीं दे रही है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। तो इन्हीं में से मैं 5 ऐसे प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखा हूँ जो पब्लिकली है। आई थिंक मुझे वो सारे एस्पिरेंट को बताना चाहिए जो आ रहे हैं इस बार यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू। चलिए एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। पहली प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्कैम। SC ST स्टूडेंट के नाम पे स्कैम। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने, इसको हम डील कर रहे हैं, कृपया पैनिक ना हो। तो देखो यार, मुझे स्कैम लगा, आपको क्या लगा आप बताना। तो सबसे पहली बात यार कि यूनिवर्सिटी में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 4000, ठीक है, 4000 स्ट्रेंथ है। और उसमें से एक ही, आई थिंक पूरे इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी है जो पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कि कहती है कि 50% स्टूडेंट SC ST के लिए यहाँ पे सीट रिजर्व है। तो यार अगर आप सच में SC ST को पढ़ाना चाहते हो 50% रिजर्वेशन दे करके, तो 4000 बच्चे ही क्यों, 40000 पढ़ाओ, तब जाकर के इसका एक लार्ज स्केल पे आउटपुट निकलेगा। तो मुझे ये लगा कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट का 4000 के अप्रोक्स है। तो भाई मतलब सच में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो 4000 नहीं, 40000 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ करो। तो ये मुझे बड़ा इस बात लगा जो हम आप लोगों से बताएं। और आप बताना इसके ऊपर आपकी क्या राय है, और डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए, HOD को भी ध्यान देना चाहिए यार कि क्या इस पे और एक्शन लिया जा सकता है। और अब डील करते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स की। तो दूसरी प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टी। तो देखो यार, हमारे यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपको बताएं 40-45 अप्रोक्स 50 से नीचे ही डिपार्टमेंट्स हैं, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं हैं। तो भाई वही मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है यूनिवर्सिटी में। यार अगर आप सच में पढ़ाना ही चाहते हो तो 40 डिपार्टमेंट क्यों, 400 डिपार्टमेंट्स रखो ना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और वो भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अगर SC ST का बात करते हो 50% रिजर्व, तो 4000 बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, 40000 बच्चों को पढ़ाओ, ज़्यादा पैमाने पे लोग एजुकेट होंगे SC ST, ज़्यादा एजुकेशन रेट हाई होगी। तो भाई और वो भी उत्तर प्रदेश आप जान रहे हो कि एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या रखने वाला एक राज्य है। मुझे ऐसा लगा कि 40 के आसपास ही नहीं, कम से कम 400 के आसपास फैकल्टी रखो। और दूसरी प्रॉब्लम उसमें यही है कि सभी फैकल्टी का, देखो 40 डिपार्टमेंट्स हैं, क्या 40 डिपार्टमेंट का भी अपना डिपार्टमेंट्स है, बिल्कुल नहीं, 40 फैकल्टी का भी अपना डिपार्टमेंट्स नहीं है। आप देख रहे हो कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर दो दो तीन तीन चार चार क्लासेस चल रही हैं। तो ये मुझे कमी लगी। सबसे बड़ी एग्जांपल हम आपको देंगे लाइब्रेरी का। देखो लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने के लिए है, वहाँ पे बुक्स, बच्चे जाएं और जाकर बैठकर पढ़े। आप लाइब्रेरी के अंदर जिम चला रहे हो पहली बात, दूसरी बात कि लाइब्रेरी के अंदर स्पोर्ट्स सेक्शन है पूरा यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी काम होते हैं लाइब्रेरी में, और तीसरी हिंदी डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी में, चौथी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी लाइब्रेरी में ही है डिपार्टमेंट, और पांचवी की संस्कृत कुछ, आई थिंक संस्कृत एंड वैदिक कुछ करके डिपार्टमेंट्स है जो लाइब्रेरी में ही है। तो मुझे ये प्रॉब्लम्स लगी कि भाई डिपार्टमेंट अपना बनाओ यार, बहुत से ज़मीन हमारे यूनिवर्सिटी में खाली पड़ी है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि 250 एकड़ में यूनिवर्सिटी है, इतने ज़मीन खाली पड़े हैं यूनिवर्सिटी में कि आई थिंक 5 या 6 फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। तो सोच लो कितने ज़मीन खाली पड़े हैं यूनिवर्सिटी में, तो डिपार्टमेंट बना दो यार। गवर्नमेंट से अपील है मेरी, और जो भी हमारे HOD सर हैं या जो भी स्टूडेंट लोग हैं सीनियर है, उनसे ये है कि आप इस बात को रखिए सर यूनिवर्सिटी के हेड से, वाइस चांसलर से, इसको पर ठीक किया जाए, काम किया जाए। अब देखा जाए तो बॉयज़ हॉस्टल में भी ना कनिष्का बॉयज़ हॉस्टल का Phase 2 नहीं बना है। आप देखोगे तो PhD वालों का हॉस्टल बन रहा था, भाई बीच में ही कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है, आज से नहीं लगभग 5-6 साल हो गए, तो उतने दिन से कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। तो मुझे एक प्रॉब्लम लगी ये भी दूसरी, और तीसरी प्रॉब्लम्स के ऊपर डील करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम्स देखो गार्ड से रिलेटेड है, हमारे यूनिवर्सिटी के जितने भी गार्ड हैं। देखो यूनिवर्सिटी में 3 मेन गेट है, Gate No. 1, Gate No. 2, Gate No. 3। दिक्कत ये है ना कि यूनिवर्सिटी में ना बाहर के बच्चे भी आकर पढ़ते हैं, यानी कि गार्ड प्रॉपर वे में अपना स्टूडेंट का कार्ड चेक नहीं करते, जिसके कारण बाहर के बच्चे भी आकर यूनिवर्सिटी में गेम खेलते हैं। हाँ मैंने ऐसा देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक मैं कोई बनाई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बोलने का मतलब ये है कि देखिए खेलते हुए बच्चे बहुत से लड़ जाते हैं आई थिंक अपने अपने कि भाई मैं जीता मैं हरा समथिंग लाइक दैट में, तो उसमें कहीं मन मुटाव हो गई तो कहीं लड़ाई हो सकती है बाहर के बच्चों के साथ, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मुझे ये लगा,
और दूसरी बात यह है कि लाइब्रेरी में भी अच्छे से गार्ड चेक नहीं करते अपना आइडेंटिटी बच्चों लोग का, जिसके कारण हम बाहर के बच्चे भी स्टडी रूम में बैठकर पढ़ते हैं। सो एसी के कारण, क्योंकि लाइब्रेरी में एसी चलती है तो बाहर से बच्चे भी आते हैं तो सब घुसकर पढ़ने लगते हैं। तो भाई ये नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लोग का है, स्टूडेंट लोग रहें पढ़ें और अपने यहाँ सेफ फील करें। तो ये मुझे लगा प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखो चौथी प्रॉब्लम्स का कि एजुकेशन रेट जीरो। एजुकेशन रेट जीरो बोलने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी के आसपास कोई भी ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ जाकर आप मतलब सपोर्ट के लिए पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं बुझाया भाई, आप कोई अगर कोई कोचिंग कर रहे हो या आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, तो आई थिंक वैसा कुछ नहीं है भाई। अगल बगल में जीरो, कोई एजुकेशन नहीं है आपको। वहाँ से बहुत दूर, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जाकर आपको एक्सटर्नल क्लास के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ये लगा कि मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर एजुकेशन रेट पूरा जीरो, जो है सो यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो आई थिंक मुझे एक ये प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम ये भी लगी जिसको हमने डील किया आप लोगों के साथ, ताकि आप आओ तो आपको ये सब बातों का अफसोस ना हो। तो देख लो अपने हिसाब से कि भाई आप क्या सही है क्या गलत है। मेरा जो मतलब था कि यार एक सही डायरेक्शन में आपको एक बात बताना और आपको जागरूक करना कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो पांचवी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए कि देखो यार मैक्सिमम मेरे पास कमेंट आता है भैया मुझे हॉस्टल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसी से रिलेटेड है कि यार यूनिवर्सिटी में ना बहुत कम हॉस्टल है, 3 ही हॉस्टल है और उसमें भी आई थिंक कितना टोटल होंगे, 1000 के आसपास में बच्चे रह रहे होंगे हॉस्टल में, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो भाई मतलब अब जो बच्चे आ रहे हैं CUET के थ्रू ऑल ओवर इंडिया से, तो भाई उनके लिए ना हॉस्टल है नहीं कि वो रहेंगे, उनको रूम लेकर के बाहर रहनी पड़ती है। तो ये था कि भाई थोड़ा सा नंबर ऑफ हॉस्टल्स इंक्रीज हो जाती गर्ल्स लोग का भी और बॉयज़ लोग का भी, तो सही रहता, बच्चों लोग को बाहर रहना नहीं पड़ता, मतलब प्रॉब्लम्स होती है बाहर से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये था जो 5 हमें मेजर प्रॉब्लम लगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आप बताना आपको इसमें से कौन सा प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा, क्योंकि देखो यार कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ये हमें जो लगा आने वाले बच्चों को एक गाइड के तरफ बताना, गाइड करना कि क्या नहीं है क्या है, तो हमने ये बताया है दिल खोल करके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी यार, क्योंकि मेरा काम है आज के यूथ को एक अलग डायरेक्शन में रास्ता दिखाना जिससे सही डायरेक्शन में वो काम कर सके। भाई औरों की तरह मैं नहीं बोलता कि ये अच्छा 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 अच्छा, भाई जो कमियां हैं मैं उसे भी दिखाऊंगा बताऊंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।